मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको 1 तारीख को न्यू वीडियो सेंड करूंगी, तो मैं अब आपको थ्रेड के बारे में बताऊंगी कि थ्रेड कैसे चलाते हैं और उनसे थ्रेडिंग कैसे बनाई जाती है। थ्रेड को पहले सबसे पहले हम लोग मुंह में लेते हैं एक सिरा इसका, और फिर 4 उंगलियों की सहायता से हम उसमें 5-6 टर्न करते हैं, जिससे कि धागे में हमारे छोटी सी कैंची बन जाती है। और दूसरी साइड से हम उंगली में 4-5 अलबट्टे लेके और रील को अपने फंसा लेते हैं। और एक ही देखिए आप, छोटी सी कैंची बन गई है, और इस कैंची को कैसे चलाना है आप वो ध्यान दीजिए। जब तक आपकी ये कैंची क्लियर नहीं होगी, तब तक आपकी थ्रेड अच्छी नहीं बनेगी। सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि कैंची का जो चलाते हैं हम, उस पर हमारा फोकस ज़्यादा हो। बिना कैंची के हम लोग थ्रेडिंग नहीं बना सकेंगे, और आप लोग जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है। आपको बार बार कैंची चलाने में कम से कम 8 दिन लग जाते हैं, जिससे कि आपकी उंगलियों में कट भी हो जाते हैं। आप उसमें सेलो टेप लगा के उसकी प्रैक्टिस रेगुलर कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको थ्रेड कैसे बनाया जाता है वो बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको फॉरहेड पे चलाना सिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पूरी थ्रेडिंग की बना के आपको सेंड करती हूँ। आप पहले देखिए कि हम इसको किस तरह चलाते हैं, और देखिए कैंची किस तरह चल रही है। ये हमारी कैंची चलाने का तरीका है, इसे हम रेगुलर प्रैक्टिस करके चला सकते हैं। अब देखिए मैं आपको फॉरहेड पर इसको करना बताती हूँ। सबसे पहले हम फॉरहेड पर पाउडर लगाएंगे, जिससे कि आपको किसी चीज़ का दर्द ना हो या इचिंग ना हो, ठीक है। अब फॉरहेड पे सबसे पहले हम लोग ये आपकी राइट साइड की है, तो राइट साइड की हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। आप देखिए मतलब हाँ, तो हम इस तरह ये आपका फॉरहेड कर रहे हैं, और ऊपर से आपको हल्का सा स्ट्रेच कर लेना है अपना फॉरहेड, जिससे कि आपको कट ना हो। हाँ, आप हल्का सा स्ट्रेच करेंगे जिससे कि आपको कट ना लगे जी। इस तरह आप आराम से देखिए, धीरे धीरे धीरे, ये देखिए क्लियर हो रहा है। अभी आपका पूरा फॉरहेड क्लियर होगा। अब ऐसे ही हम इसको क्लियर करके टर्न करके पीछे की साइड, बैक साइड से लेंगे। अब हम बैक साइड से लेंगे, अब हम दूसरे हाथ से स्ट्रेच करेंगे, मतलब अपोजिट साइड, जिस साइड से बनाएंगे उसके अपोजिट साइड से हम लोग इसको स्किन को स्ट्रेच करेंगे। अब देखिए आपको क्लियर नजर आ रहा है, देखिए कैसा फॉरहेड क्लियर हो रहा है। बस सबसे बड़ी बात है कि आपको धागा कंटिन्यू आराम आराम से चलाना है, जिससे कि स्किन पर एक भी कट ना लगे। और जिनकी स्किन अगर लूज होती है तो आप थ्रेड को गीला करके चला सकते हैं, और जितनी ज़्यादा स्किन लूज होगी उतना ही आप थ्रेड को धीरे 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 चलाएं और अच्छे से स्किन को टाइट करके पकड़ें। आपका ये पूरा फोरहेड क्लियर हो जाएगा। ये देखिए